लड्डू और आशु भी अच्छे हैं। पीछे से घंटी की आवाज आ रही होगी तो आप समझ ही गए होंगे कि पूजा हो रही है और मैं नाश्ता बना रही थी। लड्डू और आशु नहा लिए हैं, अब मैं नहाऊंगी बिकॉज मेरा व्रत है तो मैं नाश्ता नहीं करूंगी। और डैडी बेटा कर रहे हैं पूजा कान्हा जी की। हेलो बोलो। घंटी दिखा। लड्डू जब छोटा सा ही था ना, बिल्कुल 6-7 महीने का, तब से ही इसको मतलब मंदिर के आगे खड़े होने की, घंटी लेके घंटी बजाने का इतना शौक था कि जिद करता था कि मेरे को घंटी तो मैं बजाऊंगा। फिर हम इसके लिए वो छोटी वाली घंटी लेके आए थे और जो हम यूज़ करते हैं हमारी तोड़ दी थी लड्डू ने, ऐसे मार मार के फर्श पर जिद करके ले लेता था, तोड़ भी थी। तो हम धनतेरस पर घंटी लेके आए थे और वो कॉफ़ी मग्स वगैरह लेके आए थे और कप लेके आए थे गेस्ट के लिए जो कि हमारे यहाँ आते नहीं। तो लड्डू को नहाई नहाई करा दी है डैडी ने और डैडी खुद भी नहा लिए हैं लड्डू के दोनों बेटे ने। डैडी ने पूजा भी कर ली है और लड्डू का फेवरेट पार्ट है पूजा करने के लिए प्रसाद। थैंक यू बोलो। थैंक यू तो बोलो डैडी को। वो कह रहा था कान्हा को भी खिलाओ। कान्हा को आरती नहीं थी आज। अच्छा प्रसाद खा लिया। जय करो। डोक तो खाई नहीं। डोक खाओ। डोक खाओ। खाओ डोक खाओ। डोक खाओ पहले डैडी खाएंगे। मंदिर में वो कर नहीं पाता। चलो अब आप करो। डोक खाओ जल्दी 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 जल्दी। वेरी गुड। चलो मम्मा भी हाँ। अच्छा मम्मा भी करेगी। बस 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 कर तो दी मम्मा ने। कर तो दी। हाँ सर्दी वाले लोवर हाँ। गर्म लोवर निकालने पड़ेंगे। वो तो बेड में से मैंने तो सिर्फ लड्डू के कपड़े निकाल लेते हैं अभी और आपके एक दो वो निकाल लेती। चलो तो अब आज निकाल दूंगी। जब आप आओगे तब मैं अकेले का काम नहीं है मेरा, इसको संभालूंगी दीवान खोलूंगी। अच्छा मतलब आप नहीं करवा सकते। देख लिया काम सारा करा कराया चाहिए सबको। करवाने के लिए कोई तैयार नहीं है। निकाले भी हम पहने ये धोए हम सुखाए हम तह हम लगाए रखे हम संगवा के सर्दियां खत्म हो जाए तब धूप लगा के भी हम ही उनको रखे बैग में। क्यों 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 बोलो डैडी को। क्यों कम लग रहा है और पिल्ले की क्यों ज्यादा। क्यों 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 पिल्ले ऐसे बहुत करते हैं। क्यों क्यों कल गली में थे ना लड्डू कितना खुश हो रहा था उन्हें देख देख के। चलो मैं नाश्ता देती हूँ भाई दोनों को वरना मुझे अभी गोर डांटेंगे कि मेरे को नाश्ता नहीं दिया है ना। है ना चलो गंदा बच्चा नाश्ता डैडी के साथ। अब लड्डू को छत पे जाने की लग रही है। किसको नाश्ता करूंगा। क्या क्या देखूंगा। क्या खा रहे हैं आप नाश्ते में। जमे बनाए मैंने आशु के लिए मटर वाले। बाय बाय कर दो सबको। प्लैंक किस भी करो इधर देख के आई लव यू भी बोल दो। ये देख लो जी लड्डू के काम। हो अंदर से सारे टॉयज उठा के लेके आए और यहाँ बिखेर दिए सारे। पहले सोफे पे सजा रखे थे फिर नीचे फेंक के। अब ये देखो क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो। वो सब उठाओ बाहर से। उठाओ उनको सबको। चलो उठाओ जल्दी। यहाँ रखो सोफे पे रखो सबको। सोफे पे रखो। वेरी गुड। और उठाओ
और उठाओ उठाओ सब। शाबाश मेरा सोना बेबी, तो बहुत प्यारा है ना? वो भी तो उठाओ। हाँ ऐसे घूम के जाने का क्या मतलब था कुल्लू? अरे वाह वेरी गुड। और उठाओ और उठाओ। वेरी गुड। और उठाओ वो भी उठाओ वो भी उठाओ। वेरी गुड। उठाओ 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 जल्दी जल्दी जल्दी। अरे वाह। अब ये भी उठाओ ये भी उठाओ। हाँ उठाओ इसको भी। वो सोफे के नीचे से मैं निकाल दूंगी। कहाँ है सोफे के नीचे? कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ एक है भाई। ये उठा लो ये उठाओ पहले उसको मैं उठाऊंगी। वेरी गुड। चलो मैं निकालती हूँ उसको। लो चलो रख के आओ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ कुंज? इतनी मेहनत करके तो उठाए थे आपने। ये है लड्डू का खेल। तो थोड़ा समय होगी हो तैयार और अब मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि किचन का काम अभी थोड़ा सा बाकी है। और मैं सोच रही हूँ कि आज मेरे फास्ट है तो मैंने नहा के सिर्फ चाय पी थी और अब मुझे कुछ कुछ हो रहा है पेट में। हाँ जी बेबी। अगर आपने बॉल नीचे गिरी, उसके फ्रूट्स हैं उनको बॉल बोलता है कुछ, अगर आपने नीचे गिरी तो मैं आपकी करूंगी पिटाई। वो देखो लेके खड़ा हुआ है तैयार और मुझे बता रहा है कि मैं बॉल नीचे गिरने जा रहा हूँ। बहुत मारूंगी। गिरा नहीं, गिरा नहीं। कितनी खुशी हो रही। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, लड्डू तो करता रहेगा ऐसे शैतानियाँ। तो मैं कह रही थी कि मुझको लग रही है भूख, तो मेरे पास रखी है ये शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। तो ना ये जब लाए थे अभी, वो पूजी थी ना एकाद से पूजी थी, तो वो सिंघाड़े और वो सब तो आंसू डबल डबल लिया थे कि खाने के भी काम आ जाएगी और पूजने के लिए जो अलग से निकाली थी। तो शकरकंदी मैंने सिर्फ एक थोड़ी सी निकाली थी, एक ये है एक ये है। तो मेरे को ना ये उबाल के बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, और अगर उबालोगे ना तो बहुत हल्का हल्का उबालो। यस बेबी बोल। अभी ला रही, हल्का उबालो और उसमें टमाटर प्याज और ये सब डाल के और साथ में उसके छोटे छोटे पीस करके और नींबू चाट मसाला हरा धनिया हरी मिर्च डाल के। बट आज मेरे पास तो मैं ये सब नहीं खा सकती, तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे आलू के चिप्स बनाते हैं उस साइड उस तरीके से इसके चिप्स तल के देखती हूँ कैसे लगते हैं। तो मैं ये करूँगी। सिंघाड़े भी रखे थे थोड़े से, सिंघाड़े तो आप लोग जानते ही होंगे ना, दिखाऊँगी अभी। तो मैंने उबाल लिए क्योंकि वो पके हुए थे, कच्चे कच्चे तो वैसे खाने में अच्छे लगते हैं, मीठे मीठे लगते हैं, लेकिन ये पके हुए थे तो मैंने उबाल दिए। और दो तीन दिन हो गए रखे रखे, वो टाइट हो गए उबाले। अब बहुत देखती हूँ कि वो खाऊंगी ये खाऊंगी, फिर लड्डू को भी थोड़ा सा खिला दूंगी, लड्डू के लिए भी अच्छा रहेगा। यस बेबी बोल। अभी लेके आ रही। ये सिंघाड़े मैंने उबाले थे, ये सिंघाड़े बोलते हैं हम लोग, तो आपके यहाँ क्या बोलते होंगे बताना, हम तो सिंघाड़े बोलते हैं। तो ये पके हुए थे ना इसलिए मैंने इनको उबाल दिया। और ये शकरकंदी रखी हुई है यहाँ पे, इनको भी स्लाइस करके फ्राई करके देखती हूँ कैसे लगते हैं इनके चिप्स। ठीक है, ये करी मैंने स्लाइस शकरकंदी की, बड़ी हार्ड होती है भाई, आलू से ज़्यादा हार्ड होती है। मैंने लंबी लंबी करी रखी, लड्डू खाएगा ना तो पकड़ने में उसको ईजी रहेगी।
अभी थोड़ी सी करी, बाकी मैंने छील के रखी है। छील के देखो कैसी हो गई ब्लैक ब्लैक से, क्योंकि पहले थोड़ी सी फ्राई करके देखती हूँ, पता चला अच्छी नहीं लगी या बनी नहीं तो फिर सारी वेस्ट हो जाएगी, फिर ये काम आ जाएगी ना, तो अभी इसको फ्राई कर। तो ये मेरी सबसे जल्दी फ्राई हो गई है, पता नहीं कैसी बनेगी। और लड्डू को देखो, लड्डू को मैंने ये रेवड़ी दी थी खाने के लिए, लड्डू ने स्टूल पे सजा दिया और अपने आप देख लो क्या। ये खाओ खाओ इसको, क्या ये खाओ खा लो। तो ये फ्राई तो हो गए, बहुत जल्दी ना इनका कलर डार्क हो गया, खा के देखती हूँ कैसा लगता है। मीठा मीठा है, सिंगाड़े मैंने छील के रख दिए, अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं तो मैं बातें भी करती हूँ, ये लड्डू को देती हूँ खाने के लिए, फिर मैं खाऊंगी। ओके कुंज इधर देखो, इधर देखो, अकड़ बकड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, जो निकल के भागा, कहाँ भागा कहाँ भागा कहाँ भागा कहाँ भागा कहाँ भागा, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कहाँ भागा कहाँ घुस गया कहाँ घुस गया कहाँ घुस, पकड़ो पकड़ो। कुंज इधर देखो ना, कहाँ भागा कहाँ भागा कहाँ भागा कहाँ भागा कहाँ भागा। नीनी नहीं आ रही आपको है बेटा, नीनी नहीं आ रही, पकड़ो 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 पकड़ो, गंदा बच्चा है ये, मम्मा जी का गंदा बच्चा हुआ। शाम हो गए, हम सो के उठ गए और मेरा मन नहीं कर रहा उठने का। लड्डू उठ के बैठा हुआ मुझे कह रहा है प्यार कर करके, इशारे कर करके कि मम्मा बूबू दे दो, है ना। प्यार करो पहले मम्मा को। और आज पता क्या हुआ, मैं ना दोपहर के टाइम पे ना पता नहीं अपने आप ही वो हो रहा था, कंधे में ना जैसे नस पे नस खिंच जाती ना, इस वाले कंधे पे पीछे की साइड पे वो खिंचाव वाला दर्द हो रहा था, मुझे लगा मैं सोऊंगी और ऐसे लेटूंगी तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अब सो के उठी हूँ ना तब और ज़्यादा दर्द हो रहा, और हाँ और आंसू अभी आए ही नहीं, क्या करूँ मैं, अब तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। कुंज मम्मा को प्यार कर दो, ऐसे कौन प्यार करता है मम्मा को, मैं अभी छो तो बेटा। किचन में आ गए, पूजा कर ली, ऊपर से कपड़े उतार के लिए आए, उठने का मन तो कर नहीं था पर उठना तो पड़ता ही है ना, और मैं पानी पी रही थी बॉटल से, लड्डू ने बॉटल में इतनी तेज हाथ मारा मैं पूछ टी शर्ट गिर गई, अब टी शर्ट चेंज करी। अब आई हूँ चाय बनाती हूँ, कुंज ये बैठा देखो ऐसे देख कर रही हूँ ना, इधर तो मेरे हाथ पे दर्द हो रहा है, क्या हो गया। चलो चाय बनाती हूँ, लड्डू को दूध देती हूँ, चाय बनाती हूँ, उसके बाद सोचती हूँ कि क्या बनाना है। मामा। चाय बनाते बनाते सोचते हैं कि क्या बनाना है। हाँ जी क्या मामा। क्यों मामा। क्यों दूध अभी दूंगी, आप क्या खा रहे दिखाओ जरा सबको, दिखा दो दिखाओ, रेवड़ी रेवड़ी खाओगे अभी देखते हैं, चलो खोल। हाँ जी तो चाय पी ली और अब डिनर की तैयारी, डिनर मैंने डिसाइड किया है कि मैं पहले सोच रही थी ना, मतलब सुबह सोच रही थी कि मैं आलू गोभी की सब्जी पूरी बनाऊंगी, रायता बनाऊंगी अपने लिए, लेकिन अब मेरे कंधे में दर्द हो रहा है इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा कुछ भी,
फोन पकड़ रखा बड़ी मुश्किल से। तो अब बना रही हूँ मैं सोयाबीन और मटर वाले पुलाव, तैयारी कर दी। चावल 10 मिनट बाद भीग जाएंगे तब बनाऊंगी, और वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। क्यों अभी दिखाती हूँ। ये देखो बाहर ना, हमारी खिड़की से बाहर ग्राउंड देन दिखता है ना, तो वहाँ पे आज किसी की शादी की रिसेप्शन पार्टी है। देखा, तो किसी की रिसेप्शन पार्टी है उधर ना। अब वहाँ पे चलेंगे गाने, जैसे रामलीला के टाइम पे शोर होता था ऐसे ही अब यहाँ पे शोर होगा। तो अब वहाँ गाने चलेंगे, तैयारी हो रही है, पूरी सेटिंग वगैरह हो चुकी, सुबह से टेंट लग रहा था। तो अब वहाँ पे चलेंगे गाने, तो मैं बाद में कुछ भी शूट नहीं कर पाऊँगी। सिंपल है, अब खाना मैं बना रही हूँ, खाना खाएंगे और फिर लड्डू की मस्ती और फिर सो जाएंगे। लड्डू डैडी के साथ गए, आंसू आ गए डैडी के साथ अंदर, तो ज़्यादा देर में से फ़ोन नहीं पकड़ा जा रहा है, इसलिए मैं यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ। आज की वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, ओके, कमेंट्स कर देना प्यारे प्यारे, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और हमारे शॉर्ट वीडियोस भी देखना, ओके। तो आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट, कहने जी आप सबको हमेशा खुश रखें, और प्लीज़ वीडियो देखते हो तो लाइक भी कर दिया, ठीक है, बाय बाय।